हाय एवरीवन, दिस इज मी एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। जब आपके बच्चे का डायग्नोज होता है ऑटिज्म, बी इट माइल्ड, सीवियर, हाई फंक्शनिंग, लो फंक्शनिंग, लेवल वन ऑटिज्म, लेवल टू ऑटिज्म हो, या हाई सपोर्ट नीड्स बोलो या लो सपोर्ट नीड्स बोलो, कुछ भी बोलो, व्हेन योर चाइल्ड इज डायग्नोज विथ ऑटिज्म, उसके साथ स्ट्रगल्स आते ही है। आजकल उन स्ट्रगल्स को स्ट्रगल्स नहीं बोला जाता है, ट्रैच बोला जाता है, और स्ट्रगल्स आर फॉर पेरेंट्स एक्चुअली, एंड इक्वली दे आर स्ट्रगल फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो। बट स्टिल व्हेन वी लुक अप टू दो स्ट्रगल्स एज अ ट्रायड्स, तो काफ़ी चीज़ें सिंपल लगने लगती है। आसान तो नहीं लगेगी, सिंपल लगने लगती है। एंड यू हैव टू लुक टूवर्ड्स दो स्ट्रगल्स एज अ केयर गिवर, नॉट एज अ मदर और अ फादर। जब आप एक केयर गिवर की तरह इन स्ट्रगल्स को देखेंगे तो थोड़ी कम तकलीफ होती है। तो मैंने अपने आप को लक्ष्य के स्ट्रगल्स के लिए मेरे ब्रेन को ऐसे ही ट्रेन किया है। आई लुक टूवर्ड्स देम एज अ ट्रायड्स एंड आई लुक टूवर्ड्स दो स्ट्रगल एज अ केयर गिवर देन एज अ मदर, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मेरे लिए सिंपल हो जाती है। जब लक्ष्य को लोग देखते हैं, मुझे मुंह पे ही बोला गया है कि लक्ष्य का सीवियर नहीं है, माइल्ड है, आई डोंट थिंक सो यू हैव टू गो थ्रू सो मच स्ट्रगल, उसका कोई सेंसरी इशू नहीं है ना, तो यू डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम आई एम गोइंग थ्रू करके, ऐसे ही मतलब बहुत सारी मदर्स ने मुझे बोला है। सो दिस इज हाउ हिज हेयर कट गोज, ही डजंट सिट फॉर हिज हेयर कट, सो दिस इज सेंसरी इशू, यू कैन क्लियरली सी। बार्बर बहुत पेशेंटली उसका हेयर कट करते हैं। अगर लक्ष्य के पापा अकेले जाते हैं तो शाउटिंग करता है लक्ष्य, इस बार मैं गई थी तो ही वॉज काम, तो दिस इज हाउ इट इज। बट स्ट्रगल्स आर स्ट्रगल्स, इज जस्ट कि मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, इसका मतलब नहीं है आई एम नॉट फेसिंग दो स्ट्रगल्स, इज जस्ट आई डोंट हाईलाइट देम। मैं ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करती हूँ लक्ष्य का, जिसकी वजह से मुझे वो स्ट्रगल्स नहीं लगती है, बल्कि कुछ चीज़ों की तो आदत हो गई है मुझे अभी कि वो चलो है, शायद मुझे उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करना है तब शायद सॉल्व होगा, या टाइम के साथ सॉल्व होगा, तो आई कन्विंस माई सेल्फ लाइक दैट बिकॉज ऑफ विच आई एम लाइक दिस। जो मैं आपको लगता है कि मैं केयर फ्री हूँ, स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, इसी की वजह से मैं ऐसा हूँ, क्योंकि आई डू इट बिकॉज ऑफ माई मेंटल पीस। मुझे मेंटल पीस मेंटेन करके जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई हैव सीन व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड माई सन विल ऑल्सो बी स्ट्रेस्ड, जो जब मैं रिलैक्स रहती हूँ तो वो भी रिलैक्स रहता है, एंड कुछ चीज़ें शांति से ही होती हैं, बहुत हड़बड़ी करने से होती नहीं है, एंड आई एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑफ विच मैंने स्ट्रगल्स को हाईलाइट ही नहीं किया है अब तक, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हाँ जी उसका बेटा ठीक है। चलो आज मैं लक्ष्य के स्ट्रगल्स के बारे में भी बात करती हूँ आपके साथ। पहले स्टार्ट करते हैं ADL से, एक्टिविटीज फॉर डेली लिविंग, जिसमें वो लैब करता है। इट कम्स विद बेसिक थिंग्स लाइक ब्रशिंग और नहाना, उसमें अभी भी लक्ष्य को प्रॉब्लम है। ही इज गोना बी 10 ईयर्स ओल्ड इन अक्टूबर, बट स्टिल ब्रश करने के लिए हमें उसको फोर्स करना पड़ता है। शायद उसका माउथ का सेंसरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी ट्रायल किया है, इमिटेशन किया है, सॉन्ग्स के साथ करने के लिए ट्राई किया, बट स्टिल एवरी मॉर्निंग ब्रश कराना इज अ स्ट्रगल। एंड नहाना वो नहा लेता है, बट ही डजेंट हैव द टाइम सेंस, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि टाइमर लगा के उसको बोलूँ कि इतना ही पानी में इतना ही नहा के आ जाऊँ, वो कभी नहीं होता है, वो आधा घंटा उसी में रह जाता है। यू नो ऑटिस्टिक किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ वाटर, तो वो वहीं पे रह जाता है, जिसकी वजह से नहाना भी हमको ही नहलाना पड़ता है, उसके फादर उसको नहलाते हैं व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल। ड्रेसिंग अप भी उल्टा सीधा करना उसको अभी तक नहीं आता है, वी आर ट्राइंग। फोल्ड करना क्लोथ्स आता नहीं है, वो भी वी आर ट्राइंग, बट ही वेयर्स हिज ड्रेस, पहन लेता है, उल्टा हो सीधा हो पहन लेता है। तो ये वाला गोल अचीव हो गया, दिस इज अ बिग थिंग फॉर मी, तो आई फोकस ऑन वो पहन लेता है, वो उल्टा सीधा नहीं करता है, आई एम वर्किंग ऑन इट। सो दीज आर द ट्रायड्स एंड वर्किंग, अपने आप को ट्रेन करना मैं ऐसे ही ट्रेन करती हूँ। खाना खा लेता है अपने आप से, ही इज़ नॉट दैट चूजी विथ फूड, बट थिंग इज आउटसाइड, बाहर का खाना उसको पसंद नहीं है, अगर इफ इन केस गलती से उसने खा भी लिया तो ही फेस गट हेल्थ इश्यूज, मतलब उसका गट उतना आउटसाइड फूड के लिए अडाप्टिव नहीं है, ये अच्छी बात है, बट मेरे लिए कभी कभी ये स्ट्रगल हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ हमने बाहर से मंगा लिया, अगले दिन से ही उसको ना डायरिया शुरू हो जाएगी, नहीं तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, इतनी सेंसिटिव गट है उसकी, तो नहीं तो बुखार आ जाता है। इसकी वजह से मुझे घर में मैं बीमार हूँ ना मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई हैव टू ऑलवेज कुक फॉर हिम, विच इज़ नॉट दैट मच प्रॉब्लम फॉर मी, बट
स्टिल समटाइम्स अगर कुछ बाहर का खाने का मन करे ना, नहीं होता है हमसे. एंड व्हेनेवर वी गो आउटसाइड, स्पेशली जब हम वेकेशंस पे जाते हैं तब तो बहुत प्रॉब्लम होती है. हम नॉर्मल जीरा राइस दाल ही ऑर्डर करें तो भी उसको सूट नहीं होता है. हमें हमेशा सोचना पड़ता है कि उसको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है. ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे यू नो लेस मसाला और लेस ऑयल वाली फूड बनती है तो ही हम वहाँ जाएंगे, नहीं तो हम एक दिन का ट्रिप करते हैं, सुबह जाते हैं शाम में वापस आते हैं, खाना पैक करके लेके जाते हैं. फूड का वही प्रॉब्लम है. बट ही ईट्स एवरी थिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी कि वो सब कुछ खा लेता है. एंड स्पेशली घर में जो दाल चावल सब्जी रोटी ये सब बनती है, दिस इज हिज बेसिक कम्फर्ट फूड जो हर नॉर्मल पर्सन का भी होता है, इसका भी है. टच वुड, इस मामले में मैं लकी मानती हूँ. ही ईट्स एवरी थिंग, इज नॉट दैट पिकी ईटर, बट ही डजेंट लाइक चेंज इन हिज रेसिपीज. फूड में कुछ चेंज पसंद नहीं है. अगर मैं कुछ नया रेसिपी ट्राई करती हूँ ये सभी इसको पसंद नहीं है. एंड ही इज़ नॉट गुड विद मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क प्रोडक्ट्स उसको चीज़ वगैरह नहीं होती हैं. पीनट्स की एलर्जी है उसको. पीनट्स उसको बहुत पसंद है बट ही इज़ एलर्जिक टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फूड बिकॉज जब भी पीनट्स खाता है उसकी एल्बोज पे, नीज पे, थाइज पे छोटे छोटे दाने होते हैं जो बहुत इच्छी होते हैं. एंड इट वॉज देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. हमने सोचा कि इस फूड की वजह से हो रहा है, उस फूड की वजह से हो रहा है. उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है. वो 3 साल तक वैसे रैशेस उसके थाइज पे, नीज पे थे और बाद में हमें पता चला कि वो पीनट की वजह से हो रहा था. एंड वी कंसल्टेड मेनी डॉक्टर्स, चेंज कर करके हमने डॉक्टर्स देखे पर वो रैशेस गए नहीं थे 3 साल तक. लास्ट ईयर हमें एक डॉक्टर मिला जिसने करेक्ट ट्रीटमेंट दिया उसको. एंड नाउ दोज रैशेस आर गॉन बट द मार्क, ब्लैक मार्क जो उसकी नीज पे है, एल्बोज पे है, थाइस पे है, वो अभी भी है. वो उसके एक फूड की वजह से जो स्किन का इशू था उसमें ना हमने तपस्या जैसे की है 3-4 साल. क्योंकि जैसे 2-10 step रूटीन स्किन केयर में होते हो वैसे उसको हमें केयर करना था. साबुन से नहलाना था, फिर क्रीम लगाना था, सुबह एक क्रीम, शाम में एक क्रीम, टैबलेट दे दो, सिरप दे दो, फिर कोकोनट ऑयल लगाओ, कुछ घर के नुस्खे भी लगाओ. बहुत कुछ किया है, अभी वो ठीक हुआ है और उसकी स्किन अभी भी सेंसिटिव है. उसको मच्छर काटे तो इतने बड़े बड़े दाने होते हैं. ही स्क्रैचेस सो हार्ड दैट ब्लड निकलने लगता है. आप उसको देखेंगे तो ही विल बी ऑलवेज इन बैंडेड, यहाँ पे हो नी पे हो बैंडेड ही रहता है क्योंकि वो स्क्रैच उतना करता है अपना स्किन का. एंड ही विल हैव, एंड उसका एक और प्रॉब्लम है जो है क्रैक्ड हील्स एंड क्रैक्ड फुट. उसका फ्लैट फुट है उसकी वजह से हो या पता नहीं, हीट बोलते हैं बहुत सारे लोग जिसकी वजह से उसकी उंगलियां यहाँ भी हो इसमें वो फंगल इन्फेक्शन हो जैसे होता ही हमेशा. उसके लिए भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट किया, वो भी रूटीन हमें रोज़ करना पड़ता है. उसका स्किन स्पेशली स्किन को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि कुछ भी खाओ, बाहर से भी खाओ या कहीं भी कुछ भी फूड में कुछ भी इधर उधर होता है, फर्स्ट इफेक्ट से स्किन, गट इफेक्ट होता है नहीं तो स्किन इफेक्ट होता है. तो दिस आर सम स्ट्रगल विच वी हैव गॉन थ्रू लाइक फ्रॉम लॉन्ग टाइम. एंड कभी कभी वी फील एग्जॉस्टेड, यू नो वो नहा के आता है जैसा होता है नॉर्मल बच्चे नहा के आते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर बैठ जाते हैं, नहीं इसको नहलाना है, फिर उसको बाहर बुलाना है, क्रीम्स लगाने हैं, ऑयल्स लगाने हैं. तो दीज आर देयर, वी आर वर्किंग ऑन इट. डॉक्टर्स की मदद भी ले रहे हैं, कुछ घर के नुस्खे भी आजमा रहे हैं. एंड वी आर वेरी केयरफुल विथ हिज डाइट एंड ऑल. कहीं कहीं बोलते हैं कि दीज काइंड ऑफ एलर्जीज विल लास्ट टिल 12 years, जब तक वो 12 साल नहीं हो जाता तब तक, उसके बाद देखेंगे. कहीं तो बोला था 7 साल के बाद ये सारी एलर्जीज बंद हो जाएगी, बट 7 साल के बाद तो बंद नहीं हुई है. नेक्स्ट कम्स विथ बिहेवियर. बिहेवियर में उसका बहुत पहले से ही इशू था. वो इधर से उधर घूमता था और चिल्लाता था, अभी भी करता है. इट्स वेरी रेयर बट व्हेन आई से स्टॉप 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 ही डज इट मोर. बाहर भी जब जाते हैं ही सी समथिंग विच इज एक्साइटिंग, ही स्टार्ट शाउटिंग, ही मेकिंग लाइक वो एक म्यूजिकल साउंड निकालता है. और वो घुरना वो सब तो नॉर्मली हम सहते ही है. ही इज़ वेरी यू नो क्लोज टू मी एंड हिज फादर ओनली एंड ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स आउटसाइड. सो जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो वो जाके अपने फादर को ही हिट करता है, विच इफ उसको अच्छा नहीं लगता है अगर मैं डांटती हूँ कुछ तो वो सीधा जाके अपने पापा को जोर से नो फ्री हैंड से हिट करता है, विच इज़ वेरी पेनफुल. और कभी उसके पापा ने कुछ कर दिया तो ही कम एंड हिट मी. हमने बहुत कोशिश करी है ये बिहेवियर को चेंज करने के लिए बट आई डोंट नो हाउ दिस
go, this behavior will go, but we are trying to stop it by not giving him eye contact, giving him space to cool down. Like us time pe jab usko gussa aata hai, we leave him in one place and we are sitting there only, but we will not give him eye contact or entertain him. If he is coming to hit us, we'll say no, you sit there, don't come near us and hit us. So थोड़ी देर बाद चिल्ला के कुछ करके he will cool down, but sometimes he will come back again and hit. Unknowingly, मतलब हम इतने absent mindedly बैठे रहते हैं. एक बार तो ऐसा होता है, I was sleeping and his father took phone from him and he came and slapped me when I was sleeping. तो इतना जोर से लगा था, I was crying. उसको भी कुछ नहीं बोल सकते, I just cried myself to sleep and I slept and I forgot next day. So these kind of things happen, especially when his father is outside also. उसको कुछ लोग यहाँ पे, I mean कुछ लड़कियाँ हैं जो उसको खींच खींच के लेके जाती थी वॉक करने के लिए. अगर उस लड़की को उसने देखा ना, उसके फादर को हिट करने लगता है. ही विल हिट बिकॉज ही थिंक्स दैट गर्ल विल टेक हिम अगेन टू ऐसे खेलने के लिए लेके जाएगी. तो इस कोई रहता है वहाँ पे, यू नो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई आया है, लक्ष्य के फादर से बात कर रहा है, उनके सामने ही जोर जोर से मार देता है. बाकी फादर्स आई डोंट नो, बट लक्ष्य इज लकी विथ हिज फादर, ही डजंट रिएक्ट. वो बोलता है लक्ष्य चुप हो जाओ करके, ही जस्ट कीप्स क्वाइट. बट बाकी कुछ लोगों को वो अजीब लगता है कि यू आर सन इज सिटिंग सो हार्ड एंड यू आर क्वाइट एंड यू आर काम, व्हाई? बट वी आर यूज टू इट बिकॉज ही इज गॉट ट्रिगर्ड बाय समथिंग, सो ही इज डूइंग दैट. वी होल्ड हिज हैंड, वी डोंट मच यू नो एंटरटेन हिम. Mainly eye contact नहीं देते. जब eye contact नहीं देते, he calms down. This is how we are tackling it. Maybe जैसे जैसे बड़ा होगा ये behavior चला जाएगा मुझे लगता है, but we are also working on it. We don't know still. Behavioral therapist से बात किया था तो उन्होंने वही बोला कि you need to look out for the triggers. What triggers him? तो हम देखते ही है, हमें पता है कि ये trigger करता है, ये trigger करता है. We अवॉइड देम मोस्टली, बट वो जो लड़की जो नेबर में है उसको हम कैसे अवॉइड करें? वो तो आएगी ही, फिर वो आके मारेगा ही. वी आर लाइक ट्राइंग टू यू नो मेक हिम सोशल विद दैट गर्ल और कुछ भी हो, बट स्टिल ही इज नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद दैट गर्ल. सो ऐसे ही है. एंड सेम विथ सोशल बिहेवियर. सोशल में भी ही इज नॉट सोशल व्हेन समबडी कम्स एंड आस्क्स हिम, हाय लक्ष्य, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? नो नो आई कॉन्टैक्ट, नो रिस्पॉन्स. हाय बोलेगा बट बहुत क्विकली बोलेगा, वेयर यू विल नॉट कैच अप टू हिम. व्हेन यू विल नॉट कैच अप, यू विल फील ही इज नॉट रिएक्टेड, बट ही हैज रिएक्टेड इन सेकेंड्स. ही हैज रिएक्टेड एंड ही हैज टर्न्ड हिज फेस दैट. सो आपको बहुत ऑब्जर्वेंटली हाय कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि क्यों, उतना टाइम किसके पास है? तो उसकी वजह से वो सोशल कनेक्शन नहीं होता है उसका. लोगों के पास टाइम नहीं है उसके साथ बैठने के लिए, या टाइम नहीं है उसको समझने के लिए. दे वॉन्ट क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, विच ही डजेंट गिव. ही डजेंट गिव रिस्पॉन्स अंटिल ही इज कनेक्टेड विद यू. सो बिकॉज ऑफ दैट, मैं और उसके फादर ही उसके फ्रेंड्स हैं. स्पीच का भी यही प्रॉब्लम है, दैट ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट. ही कम्युनिकेट्स हिज नीड्स, जो चाहिए वो बोलेगा, बट व्हेन ही व्हेन उसको कुछ हुआ है, स्कूल में कुछ हुआ है, स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट किया, ही इज नॉट अ चैटर बॉक्स हु विल कम एंड से दैट ये हुआ. आई डोंट नो ऐसा होगा कि नहीं, मेरा बच्चा चैटर बॉक्स रहे बनेगा कि नहीं, बट यस आई ऑलवेज विश फॉर दैट थिंग, बट दैट इज नॉट देयर. कम्युनिकेशन नहीं है, वो नहीं बोलेगा कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो नहीं बोलेगा उसको कुछ अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है स्कूल में भी या कहीं भी, नहीं. इस वजह से मुझे हमेशा डर रहता है कि वो कुछ ऐसे सिचुएशन में भी हो जहाँ पे उसको पता नहीं हो उसके साथ क्या हो रहा है. तो ये डर मुझे हमेशा रहता है, बट मोस्टली आई हैव केप्ट हिम इन अ सेफ एनवायरनमेंट सो फार. आई थिंक उसकी स्कूल से भी मुझे कॉन्स्टेंटली अपडेट मिलती रहती है, जहाँ भी मैं भेजती हूँ उसको, जो कॉन्स्टेंटली आई नो वॉट इज हैपनिंग विथ हिम. तो अब तक तो आई हैव मैनेज सो फार विथ ऑल हिज ट्राइड्स, बट जैसे मैंने बोला है मोस्टली आई फोकस ऑन हिज पॉजिटिव थिंग्स. पॉजिटिव बहुत चेंजेस आए हैं. जो लक्ष्य 5 साल में डायग्नोस हुआ था, उस लक्ष्य को अगर मैं कंपेयर करूँ अब, तो वो लक्ष्य ही अलग है, ये लक्ष्य अलग है. बहुत सारे गोल्स अचीव भी हुए हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. उसका रिस्पॉन्स नहीं था, नाम का रिस्पॉन्स ही नहीं देता था, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता था, अपना काम खुद से नहीं करता था. ये जो आई कॉन्टैक्ट जो फ्लीटिंग ही दे रहा है वो भी नहीं देता था.
वो इधर से उधर भागता था, एक जगह पे बिल्कुल नहीं बैठता था। अभी उसकी सिटिंग टॉलरेंस इतनी है कि स्कूल में वो 3 घंटे बैठ के आता है और यहाँ भी होमवर्क के लिए आधा 1 घंटे तो बैठता है। तो सिटिंग टॉलरेंस नहीं थी, सिटिंग टॉलरेंस आती है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है कि लक्ष्य अगर पानी किचन से लेके आओ तो लेके आता है, एंड ये किचन में रख के आओ, इसको वॉश को डालो, ये सारे मल्टीपल छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। एंड ही इज कामर, ही डजेंट हैव दोज मेल्टडाउन्स जो पहले उसको मेल्टडाउन्स होते थे, वो मेल्टडाउन्स नहीं है। तो इस सब चीज़ों के लिए मैं हर रोज़ ग्रेटफुल हूँ कि इतना सब कुछ तो अच्छा हुआ है मेरे बच्चे के साथ। जो नहीं हुआ है होगा, नहीं टाइम के साथ होगा, काम करने के साथ होगा, कभी तो होगा, आई नो, बट जो हुआ है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और ये ग्रैटिट्यूड जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो मेरे बच्चा जैसा है वैसा अच्छा है, कंपेयर टू दिस टॉडलर्स वर्जन, अभी का वर्जन है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसकी वजह से ये ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से मैं शांत हूँ, और बाकी सारे स्ट्रगल्स के साथ भी मैं शांत इसीलिए हूँ कि आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू बहुत सारे थिंग्स है, मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट टेक मोर देन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑटिज्म एनी मोर। जो भी ऑटिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन पक करके मेरे स्क्रीन पे आती है वो आई एम नॉट टेकिंग इट इन। जो मुझे पता है आई विल टेक, मैं डॉक्टर्स की सलाह लूँगी, मैं साइकेट्रिस्ट का सलाह लूँगी, साइकोलॉजिस्ट का सलाह लूँगी, बिहेवियर थेरेपिस्ट का सलाह लूँगी, लक्ष्य के स्कूल से मैं सलाह लूँगी, बट आई एम नॉट टेकिंग अ रैंडम इन्फॉर्मेशन विच इज कमिंग ऑन माई स्क्रीन। मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन को फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, मैंने बंद कर दिया है ऐसे नोटिफिकेशन को, आई डोंट फॉलो देम, एंड मोस्टली आई फोकस ऑन हिज पॉजिटिव ट्रायल्स, लक्ष्य के पॉजिटिव ट्रायल्स पे फोकस करती हूँ। लाइक उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, आई वर्क ऑन हिज मेमोरी, उसको जो भी भाई आर्ट करना होता है वो मैं भाई आर्ट कराती हूँ, लाइक टेबल्स वो अभी भाई आर्ट कर रहा है वो मैं कराती हूँ, एंड हिज स्पेलिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। पता नहीं ये उसकी पॉजिटिव है कि उसको स्पेलिंग्स याद रहती है, जिसकी वजह से मैं उसको वर्ड्स रीड कराने की कोशिश करती हूँ, लिखाने की भी कोशिश करती हूँ, एंड ही फॉलोज देम। तो ये उस पर फोकस करती हूँ, एंड ही इज़ गुड विथ कलर्स, ही इज़ गुड विथ नंबर्स, ही इज़ गुड विथ सिंगिंग, एक्टिंग, ये सारी चीज़ों पे वो अच्छा है, तो आई फोकस ऑन दोज थिंग्स। मैं उसी पे ज़्यादा काम करती हूँ, जो नहीं हो रहा है उस पर भी काम करती हूँ, बट मोर आई फोकस ऑन दोज थिंग्स, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रगल्स है मुझे स्ट्रगल्स नहीं लगती है, वो भी एक काम लगता है, जिस पर काम करना है आई विल वर्क ऑन इट। कभी कभी नहीं होता है, आई टेल यू, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता है, मैंने छोड़ दिया है कुछ चीज़ों पे काम करना, मैंने टाइम पे छोड़ दिया है, लाइक बिहेवियर हो, सोशलाइजेशन हो, आई हैव लेफ्ट, क्योंकि मैं थक गई हूँ उसमें, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है एंड इट डिडंट वर्क फॉर मी और लक्ष्य, तो आई हैव लेफ्ट इट। और थेरेपिस्ट छोड़ दिया है, क्योंकि ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, यहाँ नज़दीक वाले कुछ कोई नहीं मिल रहा है, जितना हो सकता है वो मैं करती हूँ, जितना हो सकता है उसके स्कूल में करते हैं, बाकी तो भगवान पे छोड़ दिया है। तो ऐसे अपने आप को ट्रेन करने से ही एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मिलता है इस ऑटिज्म जर्नी को करने में। अगर हम कंप्लेन करते हुए बैठेंगे या मेरे साथ ही क्यों हुआ करके बैठेंगे तो इट डोंट वर्क। एक्सेप्टेंस जो होती है ना, उसके स्टेजेस होते हैं, आप अपने आप को किस स्टेज में पाते हो वो देखिए। आई एम काइंड ऑफ लाइक इन द लास्ट स्टेज, आई हैव एक्सेप्टेड, आई हैव सरेंडर्ड टू ऑटिज्म जर्नी एंड आई एम गोइंग थ्रू इट। बस जो है उसको करना है। आप इस एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में कौन से स्टेज में है आपको रिकग्नाइज करना होगा। मैं एक्सेप्टेंस के स्टेज के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। यू माइट थिंक कि क्या इस सब के लिए स्टेजेस भी है, प्रोसेस है ये, हम ह्यूमंस हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए यूज टू ही नहीं है। सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपको मदर बनना है, बट आप ऑटिस्टिक बच्चे के मदर बन गई है, तो इट इज़ लाइक, कहीं पे एक रील में देखा था कि अगर प्रेगनेंसी एक जर्नी है एंड यू हैव बॉट अ टिकट टू इटली बट यू हैव लैंडेड इन हॉलैंड वहाँ पे, एंड हॉलैंड इज ऑल्सो ब्यूटिफुल बट यू हैड प्लान्स फॉर इटली, आपकी पैकिंग सारी इटली की थी, बट इट्स समवेयर की हॉलैंड भी, इटली इज इटली, हॉलैंड इज हॉलैंड, हॉलैंड इज वेरी ब्यूटीफुल कम्पेयर टू इटली, ऐसे अच्छा ही है सब कुछ, बट थिंग इज इट्स नॉट इटली। तो ऐसे ही है कि ऑटिस्टिक जर्नी भी अच्छा ही है बट इट्स नॉट अ नॉर्मल जर्नी। तो ये वाली जो कसक होती है ना मन में हमेशा रहेगी, वो स्ट्रेस, वो स्ट्रगल हमेशा रहता है, वो एक सैडनेस हमेशा रहेगा,
पर हमें वी हैव टू गेट अबाउट दैट, क्योंकि जैसे मैंने बोला एज अ पेरेंट्स अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, बट इफ़ यू स्टार्ट सीइंग दीज थिंग्स एज अ केयर गिवर देन यू विल फील कि दिस इज़ माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव टू डू इट. आई नो दिस इज टफ बट नॉट इम्पॉसिबल, इट्स अ जॉब विच इज़ गिवन टू मी एंड आई हैव टू डू इट, ऐसा आ जाएगा. एंड दैट्स व्हेन यू विल फील दीज थिंग्स, ये उदासी डिप्रेशन ये सारी कम फील होगी, जाएगी नहीं जाएगी बट कम फील होगी. सो दीज वेर द स्ट्रगल्स, वॉट आर द स्ट्रगल्स यू आर गोइंग थ्रू विथ योर चाइल्ड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. हाकुना मटाटा.